खबर शामिल करते हैं। साहिवाल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे, साहिवाल में सरदार खान लगारी, प्रोफेसर वहीद कमाल की आमद पर प्रोफेसर वहीद कमाल, सरदार खान लगारी का इस्तकबाल किया गया। सरदार खान लगारी और प्रोफेसर कमाल को फूलों और गले में हार डालकर पंडाल में लाया गया। अच्छी इन्होंने महफिल इस तरह से बनाई है, इनकी खिताबत, इनकी काबिलियत और इनका जो इलम है, मैं इस उम्र में इनसे सीखता रहा हूँ और मुझे बहुत कुछ मिला है। और दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके मकामी कायदीन, मैं हल्फन कहता हूँ, आपसे इंतहाई मुखलिस हैं। आपके लिए वो दिन रात एक करने को तैयार हैं। आप भी कसम खाएं कि इनके लिए तन मन धन की कुर्बानी देंगे देंगे देंगे। और ये हकीकत है कि ये जो वाकया आप सामने देख रहे हैं, तारीखी हकायक है कि बिलावल भुट्टो जिस तरह से आंखों में आंखें डाल के आया है सियासत में और इमरान खान के मुकाबले में आया है, पूरी कौम देख रही है कि आने वाला वक्त बिलावल भुट्टो का है। हमारे बाजवा साहब ने जो नारे लगाए भुट्टो के लिए, बेनजीर के लिए, मैंने नज्म लिखी है, लेकिन मैं आपके पुरजोश नारों के साथ चलना चाहता हूँ। वो ये है कि आने वाला वक्त देख रहा है, तारीख के औराक बताएंगे कि आने वाला वक्त बिलावल का है, लिहाजा तीन नारे लगाएं और मैं नज़्म सुनाऊंगा आपको जो मैंने बेनज़ीर की वसीयत के हवाले से लिखी भुट्टो की वसीयत से। और वो ये है कि वजीर आजम बिलावल, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सब भाइयों को जो आप लाई भाई बैठे हुए हैं, तो आप सबकी मैं शुक्रगुजार हूं कि आप लोग इस बिलावल साहब के जलसे में आप लोग आए हुए हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि बिलावल आप में से है, आप उनमें से हो। और मेरे भाई चीमा साहब है, काठिया साहब है, अपना जितने भी भाई हैं, अपना मेहर मामन यूसुफ साहब, और उसका मैं शुक्रिया अदा कैसे करूं, और वो जब वो ये सिंध आएंगे तो फिर उसको पता चलेगा कि शुक्रिया अदा कैसे किया जाता है। और दूसरी बात ये, मैं भाइयों लोगों को बताना चाहता हूँ, इंशाल्लाह ताला तीन माह के अंदर में आपकी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ रही है, ये न्यादी भाग जाएगा और इसका वो असर होगा जो दुनिया देखेगी। इसने क्या किया है गरीबों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, गैस के बिल बढ़ा दिए, खाद बढ़ा दिए, बिजली के बिल बढ़ा दिए, अब जो है जो अभी पेट में जो आटा खाने वाला है वो महंगा हो गया है। तो इसलिए तो इसका जो अंजाम होगा ना, इसका बुरा अंजाम होगा। ये यहूदी है, ये मुसलमान नहीं है। मुसलमान होता तो उनको इसको इंसानियत का पता चलता। और ये पीपल्स पार्टी ये जो है ये अब गरीबों की पार्टी है, मिस्कीनों की पार्टी है, यतीमों की पार्टी है। और पीपल्स पार्टी किसी गरीब सरमाएदार की पार्टी नहीं है, क्योंकि आज ये गरीब लोग जो आप कुर्सी पर चेयर पे बैठे हो, तो ये बिठाने वाला कौन था? भुट्टो साहब था, क्योंकि भुट्टो साहब ने शोर दिया। आज हम पूरी दुनिया में सर बुलंद करके बात करते हैं, तो हमें पाकिस्तान को जो बनाने वाला सुपर पावर बनाने वाला कौन था? वो था भुट्टो साहब। आज हमारे पास एटम बम नहीं होता तो हमारे पाकिस्तान के 10 टुकड़े ये लोग करते थे। तो मेरे बहनों, आप भाइयों से गुजारिश है, आप जो गुजारिश है, तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो हमारी गवर्नमेंट है वो तीन माह में आ रही है, इंशाल्लाह ताला आपके लिए अच्छा होगा और अच्छा कदम साबित होगा। और बिलावल भुट्टो साहब इंशाल्लाह ताला वजीर आजम बनेंगे और दूसरे की मुदाखलत नहीं होगी। और बिलावल साहब हर वर्कर से बात करेंगे, उनको बुला के पूछेंगे कि आपके साथ मसला क्या है, और इंशाल्लाह ताला वो बिलावल साहब की वही तस्वीर है,
वही आवाज है शहीद बेनजीर भुट्टो की तरह। नाराए भुट्टो, नाराए भुट्टो, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। मैं सब भाई लोगों का शुक्र गुजार हूँ, आप लोगों ने मुझे इज्जत दी, बड़ी बड़ी मेहरबानी है, बड़ी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। खाना खा के जाए, नहीं तो मैं थोड़ा नाराज होगा, कोई बंदा ना जाए खाने तो बगैर। माजरत करना कि मैं इसनू याद नहीं रहा, मेरी अखा के अगो सामने मेरा एक बड़ा प्यारा जहा भाई होया वे शौकत बाजवा साहब। शौकत बाजवा की माजरत करना, तो लेट तो ही माजरत करना वा, जरा चेहरा इतने लैके आना साढ़े नाल शामिल भाई फरूक बाजवा, फरूक बाजवा जी, फरूक बाजवा, माजरत। मैं वो जज्बात च आ गया कि मैं सॉरी। फरूक बाजवा साहब साढ़े सीनियर बड़े लागे जे तहसील लेवल के भाई ने साढ़े जी, तो सानू ये प्यारे लगते। मैं माजरत करना, फिर माजरत करना भाई, मेहरबानी मेहरबानी। फरूक दूसरा भाई साहब, ये मेरा आपसे ऐलान है, आपका कोई सिंध गवर्नमेंट में कोई काम हो तो इंशाल्लाह बेशक आप हमसे रब्ता कर सकेंगे, और आपका वो आपका एक काल के ऊपर काम होगा इंशाल्लाह ताला, ये मेरा आपके साथ वादा है। ये था जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा, आपके पूरे चक को बतवसल मार मोहम्मद यूसुफ साहब, जनाब मार अली फरीद काठिया साहब और शौकत अली बाजवा साहब के तवसल से। आप कोई भी सिंध का काम है आपको आप ले सकते हैं, ये बड़े खूबसूरत अल्फाज थे इनके। और दोस्तान गिरामी, ये कदर मैं फिर शुक्रिया अदा करूंगा जनाब हाफिज गुलाम मोहम्मद साहब लगारी, जो कि लगारी साहब के साथ तशरीफ लाए, जनाब अली हसन लगारी साहब जिन्होंने पूरी ड्यूटी की है हमारे साथ मिलकर, और गुलाम मोहम्मद लखो का तस्वीर।